कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है, आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है राब का मजा। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसका बेटा जवान था। पिता ने दूर के एक गांव में उसका ब्याह कर दिया। ब्याह के बाद उसकी पत्नी मायके में थी। गोना होने के बाद ही वो अपने पति के घर आती। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा जब तक बहू घर नहीं आ जाती तब तक तुम ही एक बार अपनी ससुराल घूम आओ। ये सुनकर बेटे ने कहा, जी पिताजी मैं कल ही अपनी ससुराल चला जाऊंगा, वहां 5-7 दिन रहकर लौट आऊंगा। दूसरे दिन वो अपनी ससुराल को चल पड़ा। ससुराल वालों ने जब जमाई बाबू को देखा तो बड़े खुश हुए। किसान के बेटे में और सब कुछ तो ठीक ठाक था, मगर वो बड़ा झिपू था। बात बात पर झेपने लगता और जो भी कहना होता उसे ठीक से कह नहीं पाता था। ससुराल वालों ने जब भोजन के लिए उसे आसन पर बिठाया और सालियों ने खाने की चीजें परोसना शुरू किया, तब वो हर चीज लेने में नानुकुर करने लगता। सालियां फिर भी थोड़ा थोड़ा थाली में डाल ही देती। एक साली गुड़ की राब परोसने आई। जमाई बाबू ने कहा, नाना मत डालिए। मगर साली का हाथ कांप गया और थोड़ा सा थाली में गिर ही गया। उसने खाते समय थाली में गिरा राब लेकर चाटा तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसे और राब खाने की इच्छा हुई, मगर झेपू होने के कारण मांग नहीं पाया। उसकी इच्छा मन की मन में रह गई। खाने के बाद जब वो हाथ धोने लगा तो उसे लगा कि थोड़ा और राब खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जब वो बिस्तर पर लेट गया तब भी वो राब के स्वाद के बारे में ही सोचता रहा। फिर से राब खाने के लिए मचल उठा। देर रात को जब घर के सारे लोग सो गए तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, राब की मटकी कहाँ रखी है। पत्नी ने बगल वाले कमरे में छीके पर टंगी मटकी की ओर इशारा कर दिया। जमाई बाबू मन ही मन बड़े खुश हुए। पत्नी जब सो गई तब वो दबे पांव बगल के कमरे में लटक रहे छीके के पास जा पहुंचे। कद से वो ठिगना था, उसका हाथ छीके तक नहीं पहुंच पाया। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक डंडे पर गई। उसने उसी डंडे से मटकी के पैंदे में छेद कर दिया। तुरंत उस छेद में से राब टपकने लगी। उसने ठीक उसके नीचे अपना मुंह खोल दिया। जमाई बाबू ने खूब जी भर के राब खाई। उनका पेट पूरी तरह से भर गया था। उनसे अब और राब नहीं पिया जा रहा था, मगर मटकी के छेद से तो राब बहता ही जा रहा था। राब के लिए मटकी में छेद तो कर दिया, मगर अब बंद कैसे हो। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अगर राब नीचे जमीन पर गिर गया तो सुबह काफी बवाल मच जाएगा। कोई चारा न देख जमाई बाबू मटके के नीचे खड़े रहे और राब टपकती रही। उसके शरीर पर जब सारी मटकी खाली हो गई तब वो वहां से हटा। जमाई बाबू के सामने एक विकट समस्या आ गई, अपने शरीर और कपड़ों को कैसे साफ करे। राब से उसका शरीर और कपड़े बुरी तरह तरबतर हो गए थे। स्नान करना जरूरी था, मगर इतनी रात को स्नान कैसे करें। स्नान करने से घर में सबको पता चल जाता, सभी उसका मजाक उड़ाते। ये सोच पास के कमरे में रखी हुई कपास से ही अपना बदन पोंछने लगे। राब से चिपचिपी होने के कारण कपास उसके बदन से चिपकती चली गई। वो जितनी कोशिश करता राब छुड़ाने की उतना ही कपास उसके शरीर पर चिपकती जाती। धीरे धीरे उसका सारा शरीर कपास से ढक गया। अब वो एक अनोखा प्राणी नजर आने लगा। उसे इस हालत में देखकर शायद ही कोई पहचान पाता। अपनी हालत देख जमाई बाबू बड़ा घबराया। अब वो करे तो करे क्या, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। अगर घर वाले जाग गए और उन्हें इस तरह अजूबा बना देख लिया तो क्या कहेंगे। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो उस कमरे से निकलकर चुपचाप दबे पांव ढोरों के कोठे की ओर चल दिया। सामने के दरवाजे से तो निकलना मुमकिन नहीं था, इसी कारण वो ऐसी जगह पर आया। मगर हाय रे जमाई बाबू की किस्मत, यहां पर भी वो फंस गया। उसने जैसे ही ढोरों के कोठे में पांव रखा वैसे ही उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुन उसकी हालत खराब हो गई। डर गया कहीं घर के लोग तो नहीं जगे हुए हैं। इस संकट की घड़ी में वो भगवान का नाम जपने लगा। अब तो उसे केवल भगवान ही बचा सकते हैं। धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज पास आ रही थी। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो भेड़ों के बीच जाकर बैठ गया। सारे शरीर पर कपास के कारण वो भी भेड़ की तरह ही दिख रहा था। जमाई बाबू को जो पास आती आवाज सुनाई दे रही थी वो चोरों की आवाज थी। चोरों ने देवी से मन्नत मांगी थी कि आज चोरी में अगर खूब माल मिला तो एक भेड़ की बलि देंगे।
संयोग से उनकी इच्छा पूरी हो गई। चोरी में बहुत धन हाथ लगा था, इस कारण से वे एक भेड़ की तलाश में आए थे। भेड़ों के कोठे में आकर चोर एक खूब मोटी ताजी भेड़ की तलाश करने लगे। अचानक उनकी निगाह भेड़ों के बीच में बैठे जमाई बाबू पर पड़ी और उसे ही भेड़ समझ लिया। उन्होंने भेड़ रूपी जमाई बाबू को बोरे में भर लिया और अपने कंधे पर लाद कर चल दिए। डर के मारे जमाई बाबू की जान ही निकली जा रही थी, लेकिन बेचारा क्या करता। मन ही मन वो उस घड़ी को कोसने लगा जब उसको राब खाने की इच्छा हुई, इसी कारण उसका ये हाल हुआ। चोर जब देवी के मंदिर के पास पहुंचे और बोरे को जमीन पर रखने लगे तो जमाई बाबू घबरा कर बोल पड़ा, भाई जरा संभाल के धीरे से बोरा जमीन पर रखना। चोर हैरान रह गए। बोरी से आवाज सुनकर डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। बोरा वहीं पटक कर भाग खड़े हुए। डर के मारे चोर जाते समय चोरी का सारा माल भी वहीं छोड़ गए। जमाई बाबू भगवान को याद करते हुए बोरी में से निकला। भगवान ने आज तो उसकी जान बचा ली। उसने वहीं पास की नदी में स्नान किया और राब कपास को अपने शरीर से साफ किया। फिर चोरों द्वारा छोड़कर भागे उस धन को ले अपनी ससुराल पहुंच गया। उसने सारा धन अपनी पत्नी को दे दिया। वो इतना सारा धन देख भौचक्की रह गई। उसने पूछा, इतना सारा धन आपको कहां से मिल गया। जमाई बाबू ने कहा, ये सब तो तुम्हारे घर में टंगी तुम्हारी मटकी में भरी राब का कमाल है। अब चैन से जीवन बिताओ और मुझे रोज राब खिलाती रहो। सुनते रहो दिल से यही कहानियां आपकी हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।